ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। कोरोना महामारी और उसके बाद लगे लॉकडाउन की वजह से आम इंसान सहित किसान भी परेशान है। वहीं यास तूफान की वजह से चली तेज हवाओं और भारी बारिश से किसानों की सब्जी और मक्के की फसल को हुए नुकसान ने किसानों की कमर तोड़ दी है। भोजपुर में भी यास तूफान और उसके बाद हुए मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों की लाखों की फसल बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा प्रभाव बरहरा की गुंडी गांव के किसानों पर पड़ा है, जहां के 40 से 50 किसानों की 50 बीघे से ज्यादा जमीन पर लगी सब्जी की फसल बारिश के पानी में डूब जाने से उनकी फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। दरअसल गोरी गांव के किसान पूरी तरह मौसमी फसल पर निर्भर है। साल में तकरीबन 6 महीने आने वाली बाढ़ की वजह से यहां के किसान सब्जी और मक्के की खेती पर ही निर्भर है। वहीं गुंडी गांव के किसान पूरे जिले में सब्जी की बेहतरीन फसल लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार इनकी फसलों का यास तूफान ने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। हालात ये है कि बारिश की वजह से परेशान किसान अब अपने खेतों से बाकी बची सब्जी निकालने में जुटे हैं। सब्जी तो पूरा ही नुकसान हो गया, लौका नेनुआ खीरा थोड़ा पूरा ही नुकसान है, पानी में बह रहा है। क्या इसका किसको जिम्मेदार मानते हैं? कृषि अधिकारी ये सब है जो सलाहकार है, इन लोग के माने अथी करते हैं कि माने कुछ हम लोग का ये कराएं जो नुकसान हो गया। चक्रवात तूफान आने से आप लोग को अपील कुछ किया गया था पहले से? नहीं, कुछ नहीं हुआ। खेती को लेकर के कुछ नहीं हुआ है? कोई कृषि सलाहकार वगैरह कोई नहीं आया पूछने के क्या हुआ खेती का क्या नहीं हुआ? कोई अपील नहीं किया था? नहीं। अलर्ट रहने के लिए आपको बोला गया था कि अब खेत में नहीं जाना है या सब्जी को काट लेना है? कुछ नहीं हम लोग को मालूम था, हम लोग तो खेत में भीगते बाजते भागे जान बचाते। कितने एकड़ में आप खेती किए थे सब्जी का? 3-4 एकड़। 3-4 एकड़? कितने का लागत था? लागत तो 1.5-2 लाख रुपया था ही। फायदा कितना हुआ? फायदा कहाँ हुआ, नुकसान हुआ, फायदा कहाँ हुआ? पूंजी निकला? पूंजी कहाँ निकला, उसमें से गाड़ी भरा निकला नहीं, पूंजी की तो बात ही। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं आप? मांग करते हैं कि जो भी सरकार मदद दे देगा उसके लिए हमको सहारा हो जाएगा आगे दिन के लिए। मतलब कुछ मुआवजा चाहते हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? श्याम बाबू राय। गोरी गांव के पीड़ित किसान श्याम बाबू राय बताते हैं कि उन्होंने अपने खेतों में कद्दू बोरी और नेनुआ की फसल लगाई थी, जिसे वो अब बाजार में बेचने ही वाले थे, तभी यास तूफान की वजह से बारिश ने उनकी फसल को बर्बाद कर दिया। उनको खेती किया है बोरो का, खीरा का और कद्दू का, नेनुआ का, बहुत कुछ खेती किया है। तो क्या समस्या है खेती की है? समस्या ये है कि लॉकडाउन में हम लोग सब्जी ले गए तो हम लोग को तो सब्जी तो बिक नहीं रहा है, सब उधर मान के चलिए कि हम लोग फेंक दे रहे हैं ले जाकर मंडी को, आरा मंडी सरैया मंडी दूठी हम लोग मंडी करते हैं, तो हम लोग को तो सफा एकदम बर्बाद हो गया लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। और अभी जो बारिश हुआ? अभी जो बारिश हुआ है तो बारिश में तो सफा हम लोग का एकदम पूंजी भी बैठ गया, एकदम डूब गया, तो खत्म भी हो गया एकदम सफा। इस गांव में लगभग कितने लोग खेती किए होंगे सब्जी का? कम से कम नहीं किए हैं तो 50-60 किसान खेती किए हैं सब्जी का। सबका यही हाल है? सबका यही हाल है, कोई खुशहाल नहीं। किसी का पूंजी निकला है कि नहीं, फायदा हुआ है कि नहीं? नहीं, पूंजी छोड़िए ना, वो जो आदमी 1 लाख लगाया है तो उसको 20,000 भी रुपया भी नहीं आया है, जो 2 लाख लगाया है उसको 40,000 भी नहीं आया है, 20% भी नहीं आया है सफा एकदम, उसको 80% इसको घाटा चला है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है मोहम्मद मुस्तकी। क्या स्थिति है अभी आपके सब्जी खेती का? अभी तो सब बारिश से डूब गया है, इससे पहले लॉकडाउन से रेट नहीं मिल रहा था और जैसे तैसे हम लोग कर बाजार में ले जा रहे थे, फिर भी रेट नहीं मिल रहा था, हम लोग 20% भी उम्मीद के मुताबिक 20% भी नहीं आ रहा था आमदनी लागत के हिसाब से। तो अभी क्या हुआ 3 दिन से भीषण बारिश में? 3 दिन के भीषण बारिश में सब क्षतिग्रस्त बर्बाद हो गया, सब पानी से
पानी बड़े पानी से बर्बाद हुआ, उसको खेत में पानी लग गया, सब डूब गया, सब नष्ट हो गया। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं अभी, आप क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? कृषि अधिकारी